करंट अफेयर की अपनी सीरीज स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू चीफ ऑफ WTO ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो में पूछा गया था। तो ऑप्शन है इसके नगोची, यो म्योंग एंड जिम योंग किम। तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर टू, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज ए न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के डायरेक्टर किसको सेलेक्ट किया गया है? डॉक्टर अजय माथुर, उपेंद्र त्रिपाठी, अरुण कुमार, मधुर दीपांकर। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर अजय माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नर हैज़ बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ डिस्चार्जिंग ड्यूटीज ऑफ पांडिचेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर। तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारियो ड्रगाही वाज रिसेंटली स्वॉर्न इन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। किस कंट्री की प्राइम मिनिस्टर चुना गया है उन्हें? इटली, फ्रांस, इंडोनेशिया या फिर वियतनाम। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, इटली। व्हेन विल हरिद्वार कुंभ मेला 2021 बिगिन। जो हरिद्वार का कुंभ मेला है वो कब बिगिन होगा? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, April 1st। विच इंडियन सिटी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए 2023 सिटी ऑफ द वर्ल्ड। इनमें से किस सिटी को ये वाली उपाधि मिली है, 2023 सिटी ऑफ द वर्ल्ड? मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, हैदराबाद। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस प्लान टू कंस्ट्रक्ट COVID-19 वॉरियर्स मेमोरियल। किस स्टेट ने ये अनाउंस किया है कि वो COVID-19 वॉरियर्स मेमोरियल बनाएंगे? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड एंड तेलंगाना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। RBI recently constituted committee to strengthen urban cooperative banks. The committee will be headed by whom? जो RBI ने recently committee जो बनाई है urban cooperative bank को strengthen, मतलब उन्हें मजबूत करने के लिए, उसकी उस committee का head कौन बनाया गया है? रोहित जैन, R सुब्रमण्यम, RS राठौर, NS विश्वनाथन। तो correct answer है option number D, NS विश्वनाथन। Next question है, the fossil fuels of the world's oldest animal डिकिंसोनिया वॉज डिस्कवर्ड इन विच स्टेट। किस स्टेट में मिला है ये वाले फॉसिल फ्यूल? आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10, विच ईयर डिड जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट कम इन टू फोर्स। कब ये एक्ट फोर्स में आया है? 1916, 2017, 2018, 2019। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2016। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ प्लान्ड टू लॉन्च द वर्ल्ड सोलर बैंक। किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये अनाउंस किया है वर्ल्ड सोलर बैंक को लॉन्च करने के लिए? यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, सार्क और वर्ल्ड बैंक। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन अमेरिकन हु लेड नासास ऑपरेशंस प्रिजर्वेंस रोवर लैंडिंग ऑन मार्स। उस इंडियन अमेरिकन का नाम बताना है जो कि नासा का जो ये वाला ऑपरेशन था रोवर जिसने मार्स पर लैंड करना था, वो किस कौन थे उनका नेम बताना है इंडियन अमेरिकन। वनीता गुप्ता, नीरा टंडन, माला अधिगा, स्वाति मोहन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, स्वाति मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच फिल्म वॉन बेस्ट फिल्म एट दादाभाई फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021। कौन सी फिल्म है जिसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है दादाभाई फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में? छपाक, लक्ष्मी, दिल बेचारा और तानाजी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, तानाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन बेस्ट एक्टर फीमेल इन दादाभाई फाल्के नेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है फीमेल कैटेगरी में? दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा या फिर सुष्मिता सेन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दीपिका पादुकोण। द फर्स्ट अंडरसी टनल ऑफ इंडिया विल बी बिल्ट इन विच सिटी। जो फर्स्ट अंडरसी टनल जो है वो किस सिटी में बनाई जा रही है इंडिया में? बेंगलुरु, मुंबई, कोची या फिर हैदराबाद। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मुंबई।
वेस्ट बंगाल विल गो इनटू असेंबली पोल इन हाउ मेनी फेजेस। वेस्ट बंगाल में जो असेंबली पोल हुए हैं अभी रिसेंटली, वो कितने फेजेस में हुए हैं? 5, 6, 7 और 8। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि वहाँ पर 8 फेजेस में हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। इंडियन सोशल एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज वाज ऑनर्ड विद एंटी करप्शन अवार्ड बाय विच नेशन। जो इंडियन सोशल एक्टिविस्ट हैं अंजलि भारद्वाज, किस कंट्री के द्वारा उन्हें ये अवार्ड मिला है? US, UK, फ्रांस या फिर कनाडा? ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, US। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ पुट फॉरवर्ड द डिमांड फॉर ग्रेटर ट्रिपलैन? किसने ये वाली डिमांड को आगे किया गया है? प्रद्योत किशोर मानिक, बिजॉय कुमार, बिप्लब कुमार, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, प्रद्योत किशोर मानिकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल शक्ति मिनिस्ट्री हैज़ सेलेक्टेड हाउ मैनी आइकॉनिक साइट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग देम इनटू स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशन अंडर फेज 4th ऑफ SIP इनिशिएटिव। कितने आइकॉनिक साइट्स को उन्होंने नॉमिनेट किया है ये काम करने के लिए? 12, 11, 10 और 8। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, 12। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ H5N8 वायरस हैज़ बीन रिपोर्टेड विच नेशन। जो वर्ल्ड का फर्स्ट ह्यूमन केस है H5N8 वायरस का, वो किस कंट्री में नोट किया गया है? फ्रांस, आयरलैंड, रशिया एंड जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, रशिया। विच स्टेट हैज़ कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रोड फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट? ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस कंट्री ने जो है फर्स्ट, पहला अपना प्लास्टिक रोड बनाया गया, मतलब रोड को जो बनाया है उन्होंने वो प्लास्टिक वेस्ट से बनाया है। तो कौन सा ऐसा स्टेट है इंडिया का? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर आसाम? करेक्ट आंसर है इसका त्रिपुरा। त्रिपुरा ने प्लास्टिक वेस्ट से रोड बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशन हैज़ परमिटेड इट्स वुमेन टू एंटर द मिलिट्री इन ए लैंडमार्क मूव? सीरिया, नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरेबिया और UAE? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरेबिया। हु वॉन द मैन सिंगल्स टाइटल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021? मैन सिंगल्स टाइटल में ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, नोवाक डेजोविक। लास्ट क्वेश्चन है, द US सेनेट हैज़ कन्फर्म्ड हुज नॉमिनेशन एज ए US एम्बेसडर टू UN? US सेनेट ने किसको UN का एम्बेसडर करा है, बनाया है US का एम्बेसडर टू UN? एंटोनियो ब्लिंकन, एवरिल हैनिस, पैटी बुटिकन, लिंडा थॉमस। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, लिंडा थॉमस। सो ये हमारे फरवरी मंथ के कंप्लीट होते हैं करंट अफेयर्स। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।